हेलो दोस्तों, छड़ी मोड़ में आपका स्वागत है। बिहार फॉरेस्ट का 2019 से रिलेटेड आपके दिमाग में अभी भी डाउट है, ठीक। आप लोग कमेंट किए थे कि सर ये बताइए वो बताइए, सारा डाउट क्लियर होने वाला है। आइए फिर मैं आपके सारा का सारा डाउट ले चुका हूँ। पहले हिंदी या इंग्लिश, कहाँ से क्वेश्चन आएगा सर? हिंदी का भी आएगा, इंग्लिश का भी आएगा, ये डाउट है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, चयन प्रक्रिया में आप देखिए 100 क्वेश्चन होगा, ठीक। 10+2 लेवल का जो होगा वो अलग होगा, और साइंस और मैथ जो भी ये सब है ये मैट्रिकुलेशन लेवल का होगा। बाकी 10+2 लेवल का होगा, जो बार बार मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ, दो फुल सेट भी दे चुका हूँ। 2 घंटे के एग्जाम होंगे, 30 क्वेश्चन पार्ट 1 में आएंगे, 25 क्वेश्चन पार्ट 2 में आएंगे, 25 क्वेश्चन पार्ट 3 में आएंगे और 20 क्वेश्चन पार्ट 4 में आएंगे। पार्ट 4 में ही आपको ये दिया हुआ है कि आप कहाँ से क्वेश्चन आएगा यहीं के बारे में। तो मात्र हिंदी भाषा से आएगा क्वेश्चन, इंग्लिश से नहीं आएगा, इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश लैंग्वेज से नहीं आएगा, हिंदी से आएगा। तो ये आपका कन्फ्यूजन खत्म हो गया कि कहाँ से आएगा। अब एक बार बार क्वेश्चन किया जा रहा है कि सर निगेटिव मार्किंग नहीं है। देखिए यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है, साफ साफ दिया हूँ नोटिफिकेशन में। यहाँ चौथा अगर नोटिफिकेशन में चयन प्रक्रिया में आप खुद ही जाकर पढ़ लीजिए, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर फॉरेस्ट गार्ड का, उसमें दिया हुआ है। फॉरेस्ट गार्ड का नोटिफिकेशन पढ़िएगा, ठीक, तब पता चलेगा। तो उम्मीदवारों को सभी गलत उत्तर के लिए निम्न प्रकार से ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे, ये दिया हुआ है। 1/3 होगा आपका ऋणात्मक अंक। अब आइए मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर लेता हूँ, जल्दी जल्दी देख लेते हैं जो जो जरूरी है। सर हिंदी में एग्जाम होगा या इंग्लिश? दोनों लैंग्वेज में होगा, आपके दोनों लैंग्वेज मिलेंगे क्वेश्चन का, हिंदी इंग्लिश दोनों रहेंगे, ठीक। मास्टर क्लास जल्दी कराएंगे। एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहा है, एडमिट कार्ड जिनका जिनका नहीं डाउनलोड हो रहा है सबके लिए मैं बता दे रहा हूँ, बहुत लोग कहे हैं, जाइए साइबर कैफे में और वहाँ से डाउनलोड कराइए। मोबाइल से नहीं हो रहा है, मोबाइल से हो रहा है तो या तो फोटो छूट जा रहा है या कुछ अलग एरर दिखाने लग रहा है, तो ये नहीं हो रहा है। आप साइबर कैफे जाइए, हार्ड कॉपी जल्दी से निकलवा लीजिए और अपना सेंटर देख लीजिए कहाँ पर है, और सब पता कर लीजिए कि बस से जाइएगा कि ट्रेन से जाइएगा, ठीक। होम डिस्ट्रिक्ट सेंटर नहीं है, पेपर आउट हो गया है, मुझे नहीं पता है, आपको पता होगा तो शेयर कर दीजिएगा, पेपर आउट हो गया तो मुझे नहीं पता है भाई साहब। नोटिफिकेशन में निगेटिव के बारे में कहाँ कुछ बोला गया, मैंने आपको दिखाया ना कि चौथे वाला में जाइए, नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए फॉरेस्ट गार्ड का, और बात मानिए उसमें दिया हुआ है। आप अभी जो उमर सीट आया है उसमें निगेटिव के बारे में नहीं दिया हुआ है, तो आपका प्रश्न पत्र आएगा तो ऊपर ही दिया रहेगा निगेटिव के बारे में, जब नोटिफिकेशन में दिया है तो आपको देना ही चाहिए, ठीक। छपरा से कितना फॉर्म भरा है? देखिए ऑफिशियल डाटा नहीं है कि छपरा से बेगूसराय से कहाँ कहाँ से फॉर्म कितना भरा हुआ है, जैसे ही मिलता है मैं आपको शेयर कर दूंगा। मेरा एग्जाम सेंटर औरंगाबाद से हूँ, तो एग्जाम सेंटर पटना साइंस कॉलेज राजेंद्र नगर जो टर्मिनल है वहाँ पर जाइए, और जैसे कि आप जंक्शन पर उतरिए वहाँ से ऑटो पकड़कर आप राजेंद्र नगर टर्मिनल जा सकते हैं, वहाँ से आप पूछ लीजिएगा तो ये कोई भी कॉलेज बता देगा, बहुत अच्छा कॉलेज है। सर किस तरह का सवाल आता है, जो किस तरह का सवाल आता है, ठीक। तो किस तरह का सवाल आता है उस पर टोटल मैंने 2 अभी तक फुल सेट दिया है, तीसरा सेट बन रहा है, जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। सर बेगूसराय किस सेंटर का, ये बेगूसराय वाले बता दें इनको कहाँ सेंटर पड़ा हुआ है, या अपना एडमिट कार्ड पता कर लेंगे खुद ही डाउनलोड कर। बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कब होगा? ये जो होगा नवंबर, लास्ट नवंबर शुरू दिसंबर में होने की संभावना है, जैसे आपको रद्द हुआ था वैसे ही होने का। मुझे एक डाउट है, इंग्लिश ग्रामर आएगा या हिंदी ग्रामर? देखिए हिंदी ग्रामर ही आएगा, 20 क्वेश्चन आएगा आपको, और अच्छे से 20 क्वेश्चन कर लेना है, निगेटिव भी है तो आराम से करना है, ठीक। सर हैंडीकैप के बारे में टोटल मैं आपको बताने वाला हूँ अलग से वीडियो, बहुत जल्दी ही आपको उपलब्ध होगा हैंडीकैप के बारे में, जो जो आरक्षण दिए गए हैं या जो जो छूट दिए गए हैं उनके बारे में, ठीक। और कितने फॉर्म रिजेक्ट हो गए? बहुत से फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, फॉर्म ऐसे भी रिजेक्ट हुए हैं जैसे कि आप ही मान लीजिए आपका फॉर्म 2 भर गया, जैसे कि शुरू में फॉर्म भर रहे थे वहाँ पर कुछ गलत हो गया तो उसे रिजेक्ट कर दिए, तो अभी तक रिजेक्शन ही हो गया ना, वो लिस्ट में आपका आया होगा नाम, फिर एक आप फॉर्म भरे थे, ठीक, और सही फॉर्म भर दिए, तब तो सही में तो आपका आ गया होगा एडमिट कार्ड, लेकिन गलत वाला तो आपका नाम वैसे में भी चला जाता है, ठीक। सर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है क्या? रजिस्ट्रेशन नंबर खो गया है, एग्ज़ाम भी नहीं दे सकती हूँ, कोई रिप्लाई? देखिए 3 चीज़ होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर खो गया है तो आपको ईमेल आईडी खो गया है तो आपके मोबाइल पर भी गया होगा, वो मैसेज डिलीट हो गया है तो आपके कोई मदद नहीं कर सकता, मैं मदद तो नहीं कर सकता आपको, ठीक, क्योंकि ईमेल आईडी आप पता कीजिए कि आपका ईमेल आईडी वो कहाँ था, कहीं ना कहीं तो जरूर लिखी होंगी ना वो ईमेल आईडी, या किसी नंबर से बनाई होंगी, ठीक, जो मोबाइल नंबर से, उस पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर आता था, वो अगर डिलीट कर दी होंगी तो या कोई कहीं पर स्क्रीनशॉट लेकर रखी होंगी तो वो देखिए, कोशिश कीजिए, ठीक। देखिए भाई थैंक्स सर, इतना क्वेश्चन जल्दी ही क्वेश्चन कराऊंगा, थैंक्स सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो जो थैंक्स बोला। दिल्ली से हूँ, मैंने अप्लाई किया, एडमिट कार्ड भी आया है मुझे, ये कन्फर्म। देखिए ऑल इंडिया से फॉर्म भरे जाते हैं, जैसे यूपी से भी भरे गए, राजस्थान से, हरियाणा से भी भरे गए हैं, लेकिन आपको जो आप फाइट कीजिएगा वो आप कीजिएगा जनरल कैटेगरी, मीन्स की अनरिजर्व कैटेगरी में आप फाइट कीजिएगा, आपको कोई छूट मिलने वाला नहीं है, आप कोई भी कैटेगरी से हो तो, ठीक। सर एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहा है, क्या करें? मैंने बोला ना साइबर कैफे जाइए, वहाँ से डाउनलोड कीजिए, मोबाइल से नहीं हो रहा है, ठीक। सर मोबाइल से एडमिट कार्ड, बात सही है। तो यही है आपका सारा का सारा, छपरा सेंट्रल स्कूल में इनका सेंटर है। जो लोग पूछ रहे हैं कि मेरा यहाँ सेंटर है, वो लोग वो जिले के हैं तो बता दिया कीजिए प्लीज़ कि वो जिले में कहाँ है, ठीक, वो कैसे है। एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, जाइए कर लीजिए, इतना वाला क्वेश्चन जल्दी कराता। सीतामढ़ी वाले कैमूर हो, सीतामढ़ी वाले के कैमूर भेगा है, हाँ कैमूर जिला, आपको रोहतास जिला के बगल में कैमूर जिला है, वहाँ पर कोई नहीं दिक्कत नहीं होगा, वहाँ पर भी अच्छा अच्छा स्कूल है, जैसे कि आप जो भी स्कूल में पढ़ा होगा लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, वो आपको डायरेक्शन लोग दे देगा। एग्ज़ाम सर ऑनलाइन हो गया है क्या? सर नहीं, ऑनलाइन नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम ऑफलाइन हो रहा है, उमर सीट मिलेगा, ऑनलाइन नहीं हो रहा है।
आप जो भाषण दे रहे हैं आपको पता नहीं है, पता नहीं है पेपर लीक हो गया है। मुझे नहीं पता यार पेपर लीक हो गया है, मुझे तो अभी तक नहीं पता है पेपर लीक हो गया, पता नहीं आपको पास आ गया होगा। कोई डाउट नहीं है सर, थैंक्स इतना हेल्प के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। गर्ल्स को कितना क्वेश्चन करना पड़ेगा, गर्ल्स के लिए मैं बता दे रहा हूँ लमसम आपको कितना, अरे 65 क्वेश्चन कर लीजिए ना, निगेटिव मत लीजिए, 65 क्वेश्चन कर लीजिए, अरे कोई नहीं रोक सकता, 65 क्वेश्चन काफ़ी होता है, आप लड़के का सीट निकाल कर लेकर चले जाइएगा ठीक। मैं गर्ल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। सर मेरा हिंदी सिग्नेचर की जगह इंग्लिश, कोई नहीं ये वेरिफिकेशन में पता चलेगा आपको। देखिए अभी एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एग्जाम में आधार कार्ड ले लीजिए, एडमिट कार्ड ले लीजिए, आराम से चले जाइए एग्जाम देने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको फोटो ले लीजिए जो दिए थे ठीक। आपको जो प्रॉब्लम होगा वो वेरिफिकेशन के समय होता है, और वेरिफिकेशन के समय भी ऐसा नहीं होता है कि छोटा सा प्रॉब्लम है तो उसके लिए पूरा आपको जॉब ही नहीं देगा, वो आपको देगा एफिडेविट कराने के लिए देगा, आपको आपके कोर्ट में भेजेगा, वहाँ से एफिडेविट कराइए, पता कीजिए कि आप ही वो आदमी है, आपको क्यों गलत हुआ, ये सब हो जाता है, छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है, झेलना पड़ता है लेकिन हो जाता है, आपको एग्जाम से बाहर नहीं निकलता है। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इतना वाला मास्टर वीडियो लाइए। हाँ जरूर लाते हैं, बहुत जल्दी लाते हैं, क्योंकि धन्यवाद, आप समझ गए आप क्या कहना चाहते हैं। दीपक कुमार जी, सुप्रिया कुमारी, हम नालंदा से हूँ, हमको सेंटर मुजफ्फरपुर में गया, कोई नहीं इसी बहाने आप लोग पूरे जिले तो घूम लीजिए बिहार का कम से कम ठीक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिमाग निगेटिव लीजिएगा तो निगेटिव होगा, यार मुजफ्फरपुर दे दिया मैं क्या करूँ। यार ये देखोगे आपको, मानिए कि आप ट्रेनिंग करने जा रहे हैं मुजफ्फरपुर, एक दिन का आपका ट्रेनिंग है, आपका जॉब लग चुका है, और मन से ट्रेनिंग कर दीजिएगा तो आपको प्रमोशन मिलने वाला है, बस ये सोच लीजिए तो चले जाइए। और कोई नहीं, बहुत से मुजफ्फरपुर जाना आसान है, पटना आकर भी कोई जा सकता है मुजफ्फरपुर, या वैसे भी जैसे बस रेल जो भी आपको सहूलियत लगे वो पकड़ कर चले जाइए। ये बताएं कि इतने स्टूडेंट हैं पर ये, तो ये सारा डाउट आपका क्लियर ही हो चुका होगा ठीक। लमसम वही कोई है कि मेरा एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहा है, जो 100 वाला क्वेश्चन दीजिए सर, मेरा यहाँ पर पड़ा हुआ है, होम डिस्ट्रिक्ट नहीं पड़ा है, मैंने पहले ही बताया था कि किसी का होम डिस्ट्रिक्ट नहीं है ठीक। ये बोल रहे हैं कि मैं दरोगा में भी छट गया हूँ, बिहार पुलिस में भी रनिंग में छट गया था, आप कोशिश कीजिए भाई कि आप रनिंग बनाइए, जब आपका ये दोनों एग्ज़ाम निकाल कर छट जा रहे हैं जिसका मतलब आपके एग्ज़ाम की तैयारी पूर्णता हो चुका है, आपको रनिंग करना चाहिए डेली कुछ ना कुछ मीटर, मीन्स की 500 मीटर 1000 मीटर रनिंग करना चाहिए आपको ठीक। और ये इसमें तो रनिंग आसान है, बहुत ही आसान है, इसमें बिहार फॉरेस्ट गार्ड में बहुत आसान रनिंग, इतना पेज एक्सपायर्ड हो गया मतलब कि क्या हुआ रिजेक्ट फॉर्म लिस्ट में, कोई नहीं जैसे बहुत लोग क्या दो दो बार तीन तीन बार फॉर्म भी देते हैं उनका भी रिजेक्शन लिस्ट में आ जाता है। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट में है, माई नंबर इज, देखिए आपका होम डिस्ट्रिक्ट है तो आप कमेंट किए हैं, धन्यवाद दीपक जी, मैं जल्दी ही आपसे बात करता हूँ और आपसे पता करता हूँ कि आपके कहाँ है, होम डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पड़ा हुआ है ठीक। ठीक ये दिए हैं कि सेट की तैयारी करा दीजिए, हाँ हाँ जल्दी ही कराता हूँ आपको ठीक, मैं भी इस समय थोड़ा प्रॉब्लम में हूँ लेकिन आपको जल्दी ही कराता हूँ, बन रहा है आपका तीसरा सेट बन रहा है तो ये थैंक्स थैंक्स बहुत 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 आप लोगों का धन्यवाद भी दिल से, देखते हैं इतना वीडियो शेयर करते हैं अच्छा लगता है ठीक। अगर कोई और भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैंने बताया निगेटिव है आपका, हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर होगा, हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन नहीं आएगा, आपका ईमेल आईडी खो गया है, मोबाइल नंबर खो गया है, और एडमिट जो भी भरे फार्म वो भी खो गया है, तो इसमें आपको कोई मदद नहीं हम कर सकते हैं ठीक। और भी जो अलग अलग वीडियो में बनाकर आपको बता दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो अपने कमेंट बॉक्स में बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।